एक दिन में 16 बार सूरज को उगते और छिपते देखना, जीरो ग्रेविटी तैरना, अब तक ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए ही संभव था, लेकिन अब आप भी ये सपना पूरा कर सकते हैं, और वो भी केवल अगले 2 सालों में, और वो भी $9.5 मिलियन के खर्चे पर। दुनिया के पहले लग्जरी स्पेस होटल ऑरोरा स्टेशन के इंटीरियर रेंडरिंग का पहली बार अनावरण हो चुका है। अमेरिकन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ओरियन स्पेस द्वारा विकसित पूरी तरह से मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में 6 लोगों की मेजबानी करेगा, जिसमें 2 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। ये अंतरिक्ष यात्रा 12 दिन की होने वाली है। 2022 में स्टेशन के लॉन्च के साथ 2022 में ही अपने पहले मेहमानों का स्वागत करने की योजना बन चुकी है। ओरियन स्पेन के सीईओ फ्रैंक बुंगर ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी के लिए जगह सुलभ बनाना है, यानी यहाँ यात्री जीरो ग्रेविटी की स्थिति में रहेंगे। बुंगर ने कहा कि अंतरिक्ष में बने होटल में जाने से पहले यात्रियों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस स्पेस होटल में आने वाले लोग 24 घंटे के भीतर 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये होटल 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेगा। इस होटल को धरती से 321 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस होटल को लेकर एक शोध भी किया गया है। इस शोध में अध्ययन किया गया कि होटल की कक्षा में घूमने के दौरान इसमें खाना पक पाएगा या नहीं। सबसे खास बात यह होगी कि जो यात्री जाएंगे वो धरती पर रह रहे अपने परिजनों से लाइव चैटिंग कर पाएंगे। उन्हें यहाँ पर वायरलेस इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस होटल की लंबाई 35 फीट और चौड़ाई 12 फीट होगी। इस होटल की खासियत ये होगी कि यहाँ एक खास बार भी होगा। प्राइवेट जेट जैसे इस होटल में उच्च गुणवत्ता वाला स्पेस फूड दिया जाएगा। टेक्सास की कंपनी एक्सियम स्पेस अंतरिक्ष में साल 2024 तक एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बना रही है।